अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। आई हैव माय मोहितो, नो माय लीमू पानी विद मी। योर लीमू पानी एंड आई हैव विद मी आमना। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मोहितो वर्जिन मोहितो भी होता है। मोहितो क्या होता है पता नहीं, सुना है मैंने। इतने मासूम ना बना करें हसन यार। पिछली दफा आपको मैंने कहा नींबू पानी पियेंगे, आपने कहा लीमू पानी का नाम ही मोहितो है। मोहितो है, हाँ ठीक है। अब मैंने आपसे कहा तो आपने कहा कि इसमें चीनी है, मैंने कहा हाँ। आपने कहा मैं नहीं पीऊंगा। आज मैंने बगैर चीनी के आपके लिए बनवाया तो आपने कहा कि चीनी क्यों नहीं है। Cheers to that. थैंक यू फॉर द लीमू पानी, शुक्रिया। पर मैं ये हफ्ता जो है वो मैं उस पे गया हुआ हूं। अगली दफा आपको चीनी, फिर अगली दफा मैं आपको, फिर शरीफ वापस आ गया तो कॉफी शेक पिलाऊंगी, कोल्ड कॉफी। ठीक है, कल मतलब जैसे आप। हाँ कल नहीं, मैं ये हफ्ता ब्रेक पे गया हूँ। ठीक है, मैं सब खा रहा हूँ, मैं सब पी रहा हूँ। मेरे ख्याल आप ईद तक ब्रेक करें। नहीं ईद तक, क्योंकि ईद पे आपने फिर दोबारा खाना है। हाँ, तो इसलिए अगला जो हफ्ता है ना, हाँ, वो वापस उस पे जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने मेंटली अपने आप को किया है। आई नीडेड अ ब्रेक यार, आई वाज गोइंग क्रेजी। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सो इट्स इंपॉर्टेंट दिस हफ्ता आई एम ईटिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। रात को 2 बजे कल मैंने फ्राइज खाए, जबरदस्त लोडेड फ्राइज। उई मुझे एकदम क्रेविंग हुई, मैंने रहमती श्री से मिठाई मंगा ली आधा किलो। ओए होए होए होए, घर आ जाती है? हाँ, फूड पांडा पे भी आ जाती है। नहीं यार, रहमती श्री है फूड पांडा पे? हाँ, शायद मैं भी कोशिश करूंगी फिर। So the thing is that you need to break, always take a break. Always, it's in every diet. Life is all about, you know, it's all about breaks. Breaks and it's all about breaks. Murtaza has, mashallah, lost around 80 pounds, right? और उसका यही है कि एक तो exercise constant, consistently. और दूसरा ये कि 6 दिन वो अपनी डाइट करता है, 1 दिन ही गोज वाइल्ड। मैंने तो रनिंग भी छोड़ी हुई और मैंने एक्सरसाइज कंप्लीटली छोड़ दी। वो एक्सरसाइज नहीं छोड़ता, मैंने कहा ये एक हफ्ता मैं कुछ भी नहीं करूंगा। हाँ ठीक है यार, ठीक है, कोई बात, कोई बात नहीं। कितना क्या हो जाएगा एक हफ्ते में? कुछ भी नहीं होगा, बस तो दिमाग एक बार सुकून में आ जाएगा। जितनी क्रेविंग्स हैं खत्म हो जाएंगी, खत्म हो गया। फिर उसके बाद आप अगले हफ्ते वापस बोलोगे। हम कब कर रहे हैं हॉटपॉट? इस सैटरडे को, बस ठीक है। हमारी एक दोस्त है, उन्होंने कहा भी है बल्कि के जी, जी, तो उन्होंने आपको टेक्स्ट किया? नहीं किया, नहीं। कल मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि चलें। ओ, तो मैंने कहा चलें। मगर हम जा रहे हैं या घर पे हो रहा है ये? नहीं, हम ऑफ कैमरा डिस्कस कर लेते हैं। हम ऑफ कैमरा ये डिस्कस कर लेते हैं। आज बहरहाल ख्वातीन हज़रात हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। यार आपकी कल एक छोटी सी वीडियो आई, 2-3 चीजें हमें एड्रेस मुझे करनी है। एक तो आपसे सवाल पूछना है, आपने नाम रखा स्क्वायर टेबल, तो टेबल तो ओवल है, तो क्या आपने नाम क्यों रखा है इसका स्क्वायर टेबल, बताए ना। देखें, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। ठीक है, ठीक है। एक तरह के लोग होते हैं जो बहुत लिटरल होते हैं, उनको हर चीज चाहिए होती है। लिटरल के मायने, लिटरल के मायने होते हैं कि जो चीज है बस वैसे ही उनको आप, मतलब उनको कहें कि 2 और 2 तो वो कहेंगे 4, 22 नहीं वो सोचेंगे, 2 और 2 22 नहीं सोचेंगे, 1 और 1 11 नहीं सोचेंगे, वो कहेंगे 1+1 2 ही होगा। तो इस तरह वो लिटरल मायनों में चले जाते हैं कि अच्छा जी, अब ये क्योंकि स्क्वायर टेबल लिखा हुआ है तो टेबल भी स्क्वायर होगा। ठीक है, किसी ने ना सोचा, जो हमने पिछले अपने हॉट रिव्यू में बताया भी था लोगों को बड़े अदब और प्यार से, कि स्क्वायर जो है वो टेबल की मुनासबत से नहीं है, वो लोगों की मुनासबत से, कि जो जो फॉर्मेट ऑफ कॉन्वर्सेशन है 2+2 है, वो है 4 पिलर्स, 4 कॉर्नर्स। ठीक है, हसन आमना इधर, 2 गेस्ट उधर, and so because it's equal corners on both ends, it makes for a square, hence a square table. ठीक है, the it's not about the table, it's about the format of the conversation. ठीक है, so it's a square table conversation. Square table conversation. Because हमने ये सोचा है, usually जितने round tables होते हैं, usually they're hosted by one person. Yes. So हमारे जो square tables हुआ करेंगे, inshallah, they will be hosted by both of us. अच्छा, मुझे भी स्क्वायर टेबल को देख के और हमारा जो फुटेज थी सारी उसको देख के छोटा सा ख्याल आया कि मे बी इज़ दिस लुकिंग टू इनफॉर्मल। फिर मैंने कहा कि यार अच्छी बात है दैट इज़ लुकिंग इनफॉर्मल, आई थिंक दैट्स द यूएसपी ऑफ द स्क्वायर टेबल। और हमारा इतना अच्छा गपशप लगी स्क्वायर टेबल रिकॉर्ड करने से पहले भी, बाद में भी, एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ द स्क्वायर टेबल, दैट इट इज़ अ वेरी रिलैक्स्ड, वेरी नेचुरल, वेरी ईजी कॉन्वर्सेशन। इट्स अ फन कॉन्वर्सेशन, इट्स नॉट लाइक इंटेरोगेशन, इट्स नॉट लाइक यू नो सम सीरियस सब्जेक्ट बींग डिस्कस्ड, एक टॉपिक, इट्स अबाउट 4 पीपल डिस्कसिंग वर्क एंड हैविंग फन। आवर इनिशियल आइडिया वाज आल्सो दैट हम अलग उस तरह से बैठेंगे, लाइक यू एंड आई वोंट सिट टुगेदर। अच्छा आइडिया था हुमायूं, बट हुमायूं ने अच्छा सजेस्ट, उन्होंने कहा कि फिर मैं देखूंगा किधर एग्जैक्टली। तो द आइडिया वाज कि आमना और हुमायूं साथ बैठ जाएंगे, मैं और यमुना इस साइड पे बैठ जाएंगे, ताकि वो ना लगे कि कोई इंटेरोगेशन हो रही है। आगे मूविंग फॉरवर्ड हम कर सकते हैं थोड़ा सा,
नहीं मेरे ख्याल है ये इट मेड सेंस कि आप और मैं इकट्ठे बैठे हैं और गेस्ट हमारे साथ दे स्टिल लुक्ड एट ईच अदर इट्स आई थिंक इट्स फाइन बट दैट वुड मेक इट इवन मोर नेचुरल तीसरा सवाल जो आपका मैं चाहूंगा पर्सपेक्टिव जी जी लोगों ने कहा यार ये क्या है कि सबने सफेद पहना हुआ तो इसके पीछे क्या ये क्या कोई कोइंसिडेंस है कि चार लोग हैं चार डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं चार अलग अलग तरह के कपड़े पहनने वाले लोग हैं उन चारों ने सफेद पहना हुआ था इसकी क्या वजह आप बताए मुझे तो फैशन से ताल्लुक ही नहीं है आप बताएं ना क्या हुआ था हमारी रिकॉर्डिंग थी 7:30 PM किस दिन मंडे को ट्यूसडे ट्यूसडे को रिकॉर्डिंग थी हमारी 7:30 PM मेरी नजर से एक राउंड टेबल डिस्कशन की कोइंसिडेंटली एक क्लिप गुजरी मैंने ऐसी शेयर की मैंने कहा दिस लुक्स नाइस यू नो दैट्स हाउ वी शुड टेक्निकल आदमी हूँ मैं तो मैंने टेक्निकली भेजी मैंने कहा कैमरे की प्लेसमेंट यूँ होनी चाहिए ये सारी चीज़ होना चाहिए तो खातून का आगे से जवाब आया फर्स्ट ऑफ ऑल कैन वी गेट एवरीबडी टू वेयर वाइट बिकॉज एवरीबडी इन दैट राउंड टेबल कॉन्वर्सेशन वाज वेयरिंग वाइट मुझे एकदम ख्याल आया कि सो शाम को 4:30 PM एक मेमो इशू हुआ जी कि कैन एवरीबडी वेयर वाइट तो यमुना ने कहा कि मैं तो मेरी तो दिली ख्वाहिश थी कि वाइट बिकॉज मेरी वार्डरोब खोलें तो वाइट ही वाइट है तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली यमुना वुड हैव वर्न वाइट एनीवे हुमायूं ने कहा कि मेरी ब्लू शर्ट इसलिए हुई थी लेकिन मैंने वाइट भी मिल गई मुझे इत्तेफाकन और हमारे पास भी वाइट थे कपड़े हुमायूं ने कहा मैंने कहा ब्लू नहीं पहन सकते नहीं ब्लू नहीं पहन सकते सारा ने कहा कि नहीं वो कह रहे वाइट पहन बट लुक इट वाज अ गुड आईडिया गुड कॉल तो हमें वही था कि फॉर जस्ट फॉर द ऑप्टिक्स यू नो एक किस्म की होमोजेनिटी बन नहीं तो अब सारे स्क्वायर टेबल व्हाइट में हुआ करेंगे ये हम डिसाइड करेंगे डिपेंडिंग उसके लिए तीन चार व्हाइट शर्टें तो लेनी पड़ेंगी ना एक ही तो नहीं रिपीट कर सकते नहीं नहीं हर दफा व्हाइट नहीं करेंगे मेरे ख्याल में फिर हर दफा व्हाइट करना चाहिए वो भी एक ट्रेडमार्क सेट होगा आई थिंक गेस्ट वुड आल्सो एंजॉय दैट कि व्हाइट पहनना है इट्स इजीियर एवरीबॉडी हैज व्हाइट इन देयर क्लोजेट फॉर समर मे बी या मे बी विंटर में ब्लैक कर दें आई डोंट नो लेट्स सी कोई एक टेबल ब्लैक कर दें रेड्स कर दें सारी कुछ ऐसा भी कर सकते हैं आई थिंक इट शुड गो अकॉर्डिंग टू द थीम और जो हमारा दिल चाहे भाई जो भाई ये आपने कलर का जो है वहां चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने फीडबैक देखा मैंने मैं एड्रेस करना चाहिए हमारे प्यारे हमारे लाडूज हैं जानूज हैं चीते चीते हैं एक दो बड़े आई ओपनिंग किस्म के सवाल आए जी किसी ने पूछा कि आई होप यू टॉक्ड अबाउट जेंटलमैन तो मैं तो अब मेरा रंग फक हो गया ये सवाल सुन के हक्का बक्का रह गया मैं हक्का बक्का रह गया मैंने कहा ये तो वाकई में हमने सोचा ना था कि अगर हम हुमायूं सईद और यमुना ज़ैदी को बुला रहे हैं जेंटलमैन की बात भी हो सकती है जेंटलमैन की बात हो सकती है नहीं हो सकती फिर कुछ लोगों ने कहा जी कि उनके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जरूर बात कीजिएगा तो मेरा गेन ये ख्याल कभी नहीं आया था कि हम उनके फिर उन्होंने कहा कि आई होप यू आस्क यमुना अबाउट टेरेबिन टू हाँ ये भी हमें नहीं सोचा हमने तो थोड़ा सा हमें भी कोई किसी तो बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया करें मुझे ऐसा लगता है कि हम कोई ऐसा सवाल नहीं है कि हमने इनसे ना पूछा हो आई इवन आस्क्ड हुमायूं हाउ इट फेल्ट टू किस प्रिंसेस डायना मतलब इससे ज्यादा क्या हो सकता है पर्सनल सवाल पर्सनल / प्रोफेशनल आई थिंक वी आस्क्ड एवरी पॉसिबल क्वेश्चन दैट वी कुड हैव बट एनीवे होपफुली अब तक आपका फीडबैक आ चुका होगा और आज फीडबैक तो आ चुका है बट होपफुली इंशाल्लाह अच्छा ही आया होगा अच्छा ही आया होगा आई रियली द वन पार्ट आई रियली एंजॉयड वाज व्हाट दे हैड टू से अबाउट ईच अदर यू नो वर्किंग विद ईच अदर आई थिंक दैट वाज जस्ट शोज द लार्जेस्ट ऑफ दीज एक्टर्स एंड दीज आर्टिस्ट एंड स्टार्स कि वो इतनी खुल के दूसरे की तारीफ और It's always lovely to see two actors commending each other. And very genuinely. Very, very genuinely. मतलब there was no pretense और ऐसा नहीं था कि वो मुँह पे कुछ बोल रहे हैं और feel कुछ और कर रहे हैं. It was very genuine. No, off camera because we met them. Absolutely. Before dinner, before the conversation and after as well. तो बहुत अच्छे mood में थे दोनों और बहुत अच्छा. We're very grateful, obviously, first of all, to Humayun and Yumna and also to Sana. बिल्कुल. सना ने जिस तरह से कोऑर्डिनेट करके सब कुछ हमारे लिए किया एंड आई एम सो ग्लैड दे स्टेड फॉर डिनर एंड वी हैड अ गुड टेबल टॉक आफ्टर दैट एज़ वेल यू नो गपशप अच्छी लगी इट वाज नाइस गुड फन गुड फन गुड फन बिल्कुल ठीक है और चलें ड्रामों की तरफ या कुछ और आप लोग करना कहना चाहते हैं मैं कुछ और कहने को नहीं है मेरे पास कुछ और कहने को नहीं है हमारे पास वर्ल्ड कप शुरू हो गया T20 ICC T20 चैंपियनशिप गुड लक टू गुड लक टू अस या कल हमारा एक मैच हुआ था पाकिस्तान वर्सेस USA आई होप हम जीत गए हों आई होप मगर जो आने वाला मैच है जो इतवार को है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वो
$5,000 की सुना है टिकट्स बिक रही हैं ब्लैक में. आप देख रहे हैं चौधरी साहब को कोई दिलचस्पी नहीं है. वो कह रहे हैं कि अगर मैंने अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दी तो आप सब जो है वो माइंड कर जाएंगे, तो इसलिए हम बात ही नहीं करते इस पर. ठीक, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोग हैंडल नहीं कर सकते. हैंडल नहीं कर सकते तो इसलिए फायदा नहीं है. एनीवे आज हम इकट्ठा हुए हैं शिद्दत की. हमारे पास दो एक साथ हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा. नहीं, क्यों खत्म हो? दो हमारे पास बंज रोड के रोमियो जूलियट की एक साथ हैं जो कि भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, ना आगे बढ़ने का नाम ले रहा है. एक अदद किस्त है हमारे पास जान से प्यारा. डिसएग्री, आई थिंक आगे बढ़ा है, लेकिन चलें कर लेते हैं डिस्कस. एक हमारे पास किस्त है जान से प्यारा जूनी की. जी जी. एक हमारे पास किस्त है खुशबू में बड़े बसे खत की, जो भी खत्म जिसको खत्म होना चाहिए, होने का नाम नहीं ले रहा और अभी कोई इंडिकेशन भी नहीं है खत्म होना. दो ट्रेलर्स कल रिलीज होंगे, टीजर्स. एक तो मेरे ख्याल है हारून कादवानी के ड्रामे का और दूसरा फहद मुस्तफा और हानी आमिर के ड्रामे का. उनको हम कल डिस्कस करेंगे हॉट बाइट्स में. ऑलराइट, मैं बहरोज सब्जवारी साहब को भी डिस्कस करना चाहूंगा. ओह, हॉट बाइट्स में अगर आपकी इजाजत है तो. हाँ जरूर, क्यों नहीं. क्या इजाजत है मुझे बहरोज सब्जवारी साहब? मुझसे क्या इजाजत मांग रहे हैं आपको? मुझे इजाजत की जरूरत है क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल नोयत की बात की है ना. जी क्यों? बहुत पॉलिटिकल बात की है उन्होंने. क्यूट है यार बहरोज साहब. और इतनी अर्नेस्टली उन्होंने किया है कि कसम उन्होंने एक ड्रिंक से ज्यादा कभी नहीं पिया. I know him यार, I know him यार. कुकेन नहीं करते ना, एक ड्रिंक से ज्यादा कभी नहीं पिया. And this was him defending him. I would hate to see कि मेरोस साहब अपने दुश्मनों का क्या शेयर करते होंगे अगर दोस्त के साथ. कई बार शराब पिया यार. एक कदम शराब का पेग लगा लिया, एक कदम मोहितो पी ली, तो क्या मतलब है जी. बहुत दिनों साथ कहीं जाइएगा मत. आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइम ब्रेक के बाद. कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाओ? खुशबू में बसे खत के बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? मैं खुशबू में बसे खत के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि मैं कुछ नहीं कहना चाहती कि इसको खत्म हो जाना चाहिए. अब ये बहुत खत्म आपके इसलिए आपके कहने पे. दे हैव स्ट्रेच्ड द स्टोरी टू इट्स लिमिट नाउ. जितने भी प्लॉट लाइन थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी हैं. हमें कैरेक्टर्स की फुल डेवलपमेंट, फुल आर्क अपना मीट कर चुके हैं. आपको अहमद दरियाब का पूरा आर्क समझ आ गया है, आपको हुस्ना का पूरा आर्क समझ आ गया है, आपको हर कैरेक्टर जो है आपने कंक्लूजन पे पहुंचा दिया है मिस पेनी को. तो अब हर कैरेक्टर का कंक्लूजन होना चाहिए. लूज एंड्स नीड टू बी टाइड अप एंड वेरी क्लीनली एंड नीटली दिस शुड नाउ एंड. हाउएवर इट्स नॉट, आप लोग समझे नहीं थे, खुशबू में बसे खत वाज ऑलवेज मेंट टू बी अ थ्रिलर. हु डन इट, ये मिस्ट्री अब सॉल्व होगी कि भाई ये पेनी का कत्ल किया किसने? आपने देखा नहीं, असल कहानी तो ये थी और असल कहानी उसी तरफ जा रही है आगे कि मिस पेनी का प्रोफेसर जो जो पुलिस वाले होते हैं ही इज वेरी इन्वेस्टेड. क्या जबरदस्त वो सीन, तो मुझे लगा टेरेंटिनो ने डायरेक्ट किया जब वो सिगरेट निकालते हैं, सिगरेट उसको देते हैं, सिगरेट ले लेते हैं, सिगरेट जलाते हैं. क्या यार, यार इतना इतने ये ऐसे जो थे, कौन थे इंस्पेक्टर जो पुलिस के थे? बड़ा स्वैग है भाई, स्वैग था एंड ही वाज वेरी इन्वेस्टेड. उन्होंने कहा मैं साइंस का आदमी हूँ, मैं जियोफेंसिंग कराऊंगा. फिर डेटा आया, फिर पता चला कि जो फोरेंसिक हुई भाई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक जो बॉडी थी वो तब तक एक दिन पुरानी हो चुकी थी जब ब्लॉग आया. टेक्निकली दे कुड बी हैव किल्ड हिम एंड गॉन टू गवादर. ऐसा ही है. क्या कमाल की उन्होंने की है इन्वेस्टिगेशन. No, I think that they should really conclude it because it was a good drama. It was a good, thought-provoking, interesting story with interesting characters. Thoda hatke tha, farak tha. Itna khenchna nahi chahiye. It's losing its charm. It's lost its charm now. Having watched about, I think, 27, 28 episodes. Yeah, it was 28th episode. Having watched 28 episodes, I can, I think, now with some certainty say that Khushboo Mein Base Khat was never able to get its genre across to the audience. I still, till date, डोंट अंडरस्टैंड खुशबू में बसे खत की वो जो प्रेमिस थी वो एक्चुअली थी क्या. मुझे नहीं, समझ आ गई है. क्या है? समझ आई है कि एक लिटरेरी दुनिया में कुछ बहुत ही वेन और नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर्स हैं, उनकी रिलेशनशिप है आपस में. दैट्स द स्टोरी विच इज़ अ रियली गुड प्लॉट. आई मीन इट्स फन, इट्स गुड, इट्स यूनिक, बट द थिंग इज दैट दे डिडंट हैंडल इट वेरी वेल. आई डिसएग्री बिकॉज मुझे, मैं आफ्टर 28 एपिसोड्स, when I now look back at the 28 weeks that I have invested in Khushboo Mein Base Khat, I failed to gather what I have taken from this project. You why know? Can't you see it as a story of one Ahmed Zaryab?
I can't because आप कोई भी फिल्म देखते हैं, कोई भी सीरीज देखते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट देखते हैं, उसके बाद आपका एक सर्टन इमोशन होता है टुवर्ड्स दैट फॉर्म ऑफ आर्ट, राइट? कि यार इसने मुझे एंटरटेन किया, या इसने मुझे कोई ऐसा थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट था कि जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया. सो व्हेन आई लुक बैक नाउ एट द 28 एपिसोड दैट आई वॉच्ड ऑफ खुशबू में बसे खत, आई हैव अ वेरी कंफ्यूज्ड मेमोरी. So then, of the, then to definitely the execution. So there's no concrete kind of like, you know, thought ke, achha, oh, this is what Khushbu is. This is what the drama was about. This is what the drama was about. Yeah, maine ye impact. Main strictly as a viewer keh raha hu ki maine agar ek 28 episode, ek 28 episode bahut hoti hai na. So main 28 episode, like for example, jaane jaane, if I look back at the 40 odd episodes, so for me it was a love story. Yeah. Ki jaane jaan was all about, you know, Shahram aur Manoor ka pyar. तेरे बिन 70 एपिसोड देखी, बट चलो ठीक है, मीरा मुर्तसिम की एक कॉन्फ्लिक्ट, सेंट्रल कैरेक्टर्स, दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, लड़का लड़की. नहीं लगता है अहमद जरिया आपकी कहानी है? नहीं, मैं अहमद जरिया बिकॉज मेरे लिए हुस्ना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट हुस्ना पहली एपिसोड से लेके 28वीं एपिसोड तक अगर मैं हुस्ना का आर्क देखूं, तो उस आर्क में क्या ऐसी तब्दीली आई है जहां से वो कैरेक्टर शुरू हुआ था और 28 एपिसोड में जहां पे है कि मैं बोलूं कि फैसिनेटिंग जर्नी. या जरियाब का आर्क आप देख लें, पहली एपिसोड से लेके 28वीं एपिसोड तक उस किरदार के अंदर क्या तब्दीली आई है कि जिससे मैं बोलूं वाओ यार फैंटास्टिक जर्नी ऑफ अ कैरेक्टर दैट आई वाज रियली इन्वेस्टेड इन. ठीक है, पॉकेट्स में आप देखें चीजें होती गई, शुरू में भी हमें लगा यार कि एक बड़ी मुख्तलिफ दुनिया की कहानी है, बट बाद वहां पर मेरे ख्याल में आप ना, हम बहुत आजकल के दौर में अंधों में काने राजे वाला सीन है. कोई भी चीज हल्की सी मुख्तलिफ होती है तो हम हमें फौरन कहते हैं यार है तो मुख्तलिफ. But we need to, I think, move past that. We appreciate the fact ki mukhtalif hai, but phir then what? Then what? Because ye wohi wali baat hai, revival of Pakistani cinema. Bilkul. Ab 2000 se revival hoye ja raha hai. Nahi nahi, ho chuka hai. Ab koi nahi keh raha revival. Abhi bhi revival. Abhi bhi support karo cinema ko. Bhai kyun support karo cinema ko main bhai? Oh, cinema ki yaad aayi yaar, jab Khuda ke liye release hui thi. Oh my God, what mind blowing film. It was mind blowing. या जब वार आई थी, अब कहता है ये रिवाइवल है, दिस इज एक्चुअली रिवाइवल. नहीं, अभी हमने मौला जट देखी है, अभी 2 साल पहले. वो हर बार लगता है कि रिवाइवल है अब से, लेकिन यू नो इन फिल्मों ने डिलीवर किया ना बियॉन्ड एंड व्हाट, बियॉन्ड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, राइट? सो सिमिलरली ड्रामा, ठीक है, आप एक 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 लाइन को पुश करें, आप बाउंड्रीज को पुश करें, आप एक नई नई, और हमने बड़ी बार बोला बोल्ड है, बहुत सारे मामला में बोल्ड है, वाकई में है, लेकिन देन फिर सिर्फ उसकी बोल्डनेस ही या सिर्फ एक एस्पेक्ट शुडंट मैटर. ठीक है, पूरा पैकेज मैटर करता है. ठीक है, तो फिर मूव ऑन करें. अब जैसे जूनी है, चले मूव ऑन करके जान से प्यारा जूनी में आ जाए. जूनी भी जहां से शुरुआत हुई, हमने कहा यार ठीक है, द सेटिंग माइट बी टिपिकल, येट देयर इज एन एक आंसर है उसमें, एक फ्रेशनेस का, इंट्रीग बांधी हुई है बहुत ज्यादा, यूनिकनेस का, होगा क्या. हां, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो आपको मिल नहीं रहा. सो देयर इज अ लॉट ऑफ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज एलिमेंट इन जूनी. फॉर एग्जांपल, वी थॉट के मीना वुड बी अ नाइस पर्सन. मीना हैज टर्न्ड आउट टू बी अ कंप्लीट हॉरिबल पर्सन. कंप्लीटली हॉरर है वो, तो मतलब वो अच्छी लग ही नहीं रही. अब मुझे तो नहीं ये समझ आ रहा कि क्या वो लिखी हुई ऐसी है या वो हम परसीव उसको ऐसा कर रहे हैं. अब मैं तो चाह रही हूँ कि जो बड़ी बहन कह रही हैं जूनी को, क्या नाम है, सफीना बाजी, जो कह रही हैं कि तलाक दो, मैं तो कहती हूँ दे दो भाई जूनी तलाक, तो मीना को, मीना तो इस काबिल नहीं है किसके साथ रह जाए. अब मीना बिहेव ही नहीं कर रही किस तरह तरीके से. ऊपर से मीना का ब्लैक मुझे नाइट सूट नहीं समझ आ रहा. यू नो, एक बड़े ही लोअर मिडिल क्लास की, वो ब्लैक सैटन का उसके पास पजामा सूट आया कहाँ से मीना के पास? शॉपिंग पे गई थी ना, पता नहीं अजीब सा मीना का सिचुएशन. यूट्यूब पे देखती होगी ना लड़कियां, क्या इंस्टाग्राम पे. मीना की मुझे समझ नहीं आ रही. हुस्ना, आई एम हुसन आरा, हुसना क्यों कह रही हूँ मैं, हुसन आरा आई एम वेरी इन्वेस्टेड इन. यार आई एम वेरी प्राउड ऑफ हुसन आरा कि जो उसकी बेइज्जती हुई, जो उसका रिएक्शन था, एक तो फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय हिरा, ऑल्सो बाय ZQ, बाय ZQ एज वेल. ZQ डज दिस ना, ही, हाँ, ZQ तो मतलब है कि स्वैग है ना ZQ में, तो हिरा डिड अ फैंटास्टिक रिएक्शन टू दैट. और जो वो कहती है कि नहीं, मेरा कभी किसी ने मेरे साथ इतनी बेइज्जती से बात नहीं की, एंड शी वॉक्स ऑफ. लेकिन आप उस सीन पे हैं, वो एग्जैक्टली एक मिरर जूनी के साथ किया होता है. और उसकी माँ फिर, अगर जिनको ना समझ आए, वो माँ फिर कह देती है कि तुम्हारे साथ वही हुआ है जो तुमने जूनी के साथ किया था, जुनेद के साथ. तो वो बिल्कुल सही है.
इट वाज अ गुड सीन. मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगी, मगर एक बात अनएक्सपेक्टेडनेस की आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल था इनका खत्म हो जाएगा. Exactly. नहीं, अगले आप एपिसोड में देख रहे हैं. मुझे इंटरेस्टिंग बात यही लगी कि यार के अगले एपिसोड में ऐसा नहीं है कि वो क्योंकि वो लड़का कहता है, उमर शहजाद का जो कैरेक्टर है, अगेन अनएक्सपेक्टेड, मेरा ख्याल था वो कहेगा ओके मम्मी फाइन, बट ही सेज नो आई विल ओनली मैरी हर. वाह, आई वाज क्वाइट प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि ओके ही इज टेकिंग अ स्टैंड एंड शी सेइंग ठीक है लेकिन होगा मेरे मुताबिक, मेरी कुछ शरायतें हैं, तो रिश्ता लेके चले गए हैं. अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं ये. हां, जूनी की बहन कह रही तलाक, जूनी की शादी अनएक्सपेक्टेड थी. आप कर रहे थे एक्सपेक्ट कि जूनी जाएगा एक दिन में शादी करके ले आएगा, भी नहीं. नहीं, अच्छा बिल्कुल आप सारी बातें ठीक कह रही हैं. अगेन ये अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं, लीडिंग टू व्हाट? नहीं, व्हाई मस्ट यू थिंक लाइक दैट? इट्स अ स्टोरी ऑफ दीस थ्री पीपल. You'll it just needs to evolve properly and conclude no, properly. No, because it was the fifth episode, right? हाँ, हम हर seventh episode, हम हर जो भी drama देखते हैं, जो film देखें या drama देखें, उसमें एक bank आना होता है. आ गया ना यार bank. क्या है bank? Banks ही हैं. ये bank नहीं है. जूनी शादी करके आया था वो bank. This is not the central conflict of the plot. There needs to be some कोई भी कहानी होती है, चाहे वो novel में हो, चाहे वो visual form में हो, उसमें कोई conflict होती है. कॉन्फ्लिक्ट जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो मेन कॉन्फ्लिक्ट मेरा नहीं ख्याल कि इनका रिलेशनशिप, क्योंकि ये तो पांचवें एपिसोड से चलती आ रही है. मेरे ख्याल से कि मेन कॉन्फ्लिक्ट था व्हेन हुसैन आरा थ्रोज द मिठाई एंड किक्स हिम आउट, बिकॉज द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन दीज आर द टू सेंट्रल कैरेक्टर्स. हु? हुसैन आरा एंड जुनैद. मिना इज अ साइड कैरेक्टर एज फार एज आई एम कंसर्न्ड. She has not proven to be a lead character. तो फिर अभी वो main conflict तो नहीं आई ना? अगर अगर जूनी एंड हुसैन आरा are supposed to be like the main characters as you saying, तो जो भी central conflict होगी वो इन दो के बीच में होगी. Either they'll have an affair or मेरा ख्याल है कि कोई एक central conflict या कोई एक big bang नहीं होता ड्रामा में. It's not like a film कि एक big bang हो और अगला एक घंटा जो है वो आपको उसकी resolution मिले. ड्रामों में आई थिंक अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें बंस रोड में लड़का लड़की प्यार होता है, सेंट्रल उनका ये था यार उन्होंने शादी कर ली भाग के. हाँ. शिद्दत में ये था ये लड़की है, ये लड़के से बड़ा प्यार करती है, लड़की की लड़के से शादी होगी और लड़का उसको फिर जो भी करता है वो करता है. एक जो चीज होती है ना कहानी में कि यार के ये है और वो होता है, और मेरे ख्याल में इसमें भी है कुछ ना कुछ होगा. अब अगले फॉर एग्जाम्पल 25 एपिसोड इस पे तो नहीं चल सकते ना खाली कि जूनी और इनके बीच में लड़ाई होती रहे और वो जो हीरा का किरदार है और वो उनकी शादी. So what the big bang you're waiting for is for Hussain Ara to either show interest in Junaid. Maybe that would be the maybe way. Yeah. Maybe I don't know what exactly it right. is, but there is something more to it, right? Right. So the conversation now is that are 7 episodes enough for that to happen? और लाइक बिकॉज मैंने पिछली बार भी बोली थी हमें समझ आ गई है हर कैरेक्टर की क्या डायनामिक है, क्या सर्कमस्टांसिस में हम हैं. यही इसका एक मकसद होता है ना कहानी को, प्लॉट को जब आप मूव कर रहे होते हैं, क्या लोगों को समझ आ जाए किस कैरेक्टर की क्या. मगर हर कहानी एक तरीके से नहीं मूव करती है, हर कहानी अपना. मैं ये नहीं कह रहा कि अगर हर का पांचवें में आता है इसका भी पांचवें में आए. मेरा मतलब है कि हर कहानी का रिदम अपना होता है. As long as that rhythm is engaging you, I'm okay with it. I'm not looking for that one burst. मैं थोड़ा सा disengage हो रहा हूं. आप disengage हो रहे हैं. मैं नहीं हो रही बिल्कुल भी. मैं बिल्कुल नहीं हो रही, बल्कि मैं तो I'm kind of rooting कि जुनैद needs to now find his voice. He needs to take a stand. क्या होगा? When will like Hussain Ara get attracted to Junaid? You know, when is that going to happen? That is. Or when will this one get attracted to Junaid? I don't want her to now. Maybe she will get attracted. I think she'll get attracted to, but it's too late now. It'll be too late. When she realizes that he's a gem, because he is, it should be too late. दूसरा जो मिना है वो हद से ज़्यादा शदीद materialistic है. वो जब देखती है प्राडो पे अगले एपिसोड के प्रोमो में भी वो आंटी उतर के आई है तो उसने जो देखा है तो उसके डॉलर साइन आंखों में नजर आना शुरू हो जाते हैं. Absolutely. उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जूनी एक अच्छा मर्द है. उसको एट द एंड ऑफ द डे अगेन उसको इसी बात से फर्क पड़ता है कि वो कितना लोडेड है. अगेन व्हाई डज शी कीप सेइंग एक्चुअली मिना इज रिटन टू बी एन एक्सट्रीमली अननोइंग कैरेक्टर. शी कीप सेइंग कि मेरी जिंदगी बर्बाद होगी. क्या बर्बाद हुई भाई? पहले तुम कौन सा महल में रह रही थी कि तुम अब अपार्टमेंट में रह रही हो? क्या बर्बाद हुई है? इतना अच्छा इंसान है, तुम्हें चाय बना के दे रहा है, तुम्हारा ख्याल रख रहा है, तुम्हारी बकवास बर्दाश्त कर रहा है. नहीं, जो हुसैन आरा की माँ के साथ पूरी इंटरेक्शन थी, आपने क्या उससे डिराइव किया? दैट यू जस्ट डिसलाइक मिना, व्हिच इज रियली आई थिंक इट्स नॉट ग्रेट राइटिंग इन फॉर मिना. शी शुडंट हैव बीन. दैट्स द पर्पस, यू हैव टू डिसलाइक हर. यू शुड नॉट हैव बीन. नो, आई डोंट थिंक सो.
मजे का कॉन्फ्लिक्ट तब होता है व्हेन यू आर नॉट श्योर व्हेदर दिस पर्सन इज नेगेटिव और पॉजिटिव एंड यू आर लाइक काइंड ऑफ लाइक डू यू वांट हिम टू दे वांट टू शो हर एज अ नेगेटिव पर्सन एंड शी एंड शी देन दे हैव एंड दे हैव एंड सो यू आर नॉट सपोज्ड टू लाइक मी नाउ आई मैं तो इस नजरिए से देख रहा हूं आई फील रियली बैड फॉर जूनी व्हाई हर तरफ से उसके बेचारे की बेइज्जती हो रही है यही तो कॉन्फ्लिक्ट अब वो जो कॉन्फ्लिक्ट की मैं बात कर रहा हूं शायद यही है अच्छा भला सक्सेसफुल अपने बिजनेस में अच्छा भला शरीफ आदमी है वो कह रही नहीं फर्क पड़ता गोदाम में है आटा आ जाएगा लाखों बातें हो गए हो भी तो तुम लूजर ही हां तो बट अनफॉर्चूनेटली व्हाट आर यू शोइंग कि चपेट ही मारेगा तो लूजर नहीं होगा कि जरा सा स्टैंड लेगा तो लूजर नहीं होगा लेट्स सी या बट जो दुनिया उन्होंने बनाई है ना वो अपार्टमेंट्स की और वो सारी वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है लुक्स वेरी रियल इट गिव्स मी अ वेरी ओल्ड मूवी वाइब डायरेक्शन तो अच्छी है इट गिव्स अ वेरी चार्मिंग वाइब इट्स गुड डायरेक्शन मगर डायरेक्शन में थोड़ा सा टिकटॉक एलिमेंट भी है कि उसने अपने घर से कोई और बुके लेके निकली थी पहुंची कोई और बुके लेके सर अगर आप देखें तो निकली थी वो क्रिसैंथेमम्स और रोजेस को लेके मेरी तो हीरा की साड़ी से आंखें आगे नहीं गई नहीं आपकी गई क्यों मुझे लगा कि हीरा की साड़ी बहुत अच्छी थी और हीरा बहुत अच्छी लग रही थी हीरा बहुत अच्छी लग रही थी हीरा की साड़ी बहुत अच्छी थी हीरा की बाकी में साड़ी अच्छी थी साड़ी बहुत खूबसूरत थी ब्लाउज की फिटिंग बहुत बुरी थी उसका जो शोल्डर था ना वो कॉन्स्टेंटली उसका जो था वो गिर रहा था ऊपर से यार व्हाट इज विद आवर टीवी चैनल्स अगर एक साड़ी खातून ने पहनी हुई है उसमें हल्की सी मिडरिफ नजर आ रही है कमर नजर आ रही है उन्होंने वहां पे ब्लर किया हुआ था ताकि नहीं भी आंख जाती तो जाए नहीं भी पता चले तो आप गौर करें कि जी उनकी जो कमर है वो ब्लर हुई हुई है क्योंकि औरतों की कमर नहीं होती अगर हो तो नजर नहीं आनी चाहिए टीवी पे थप्पड़ नजर आ जाए बेहूदगी नजर आ जाए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नजर आ जाए कमर ना नजर आए क्या है यार ये क्या है हसन बताए ना मुझे क्या है ये मैं इस पे क्या तबसरा करें ना फिर मुझे तो लगता है कि नहीं ब्लर करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था और ऐसा तो नहीं कि वो नंगी कमर नजर आई थी ऊपर से पूरी साड़ी थी उसके ऊपर इट वाज जस्ट शेयर जो ब्लर किया वो तो नंगी कमर को ही ब्लर किया ना नहीं नंगी तो नहीं थी ना साड़ी ऊपर थी नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट देखिए अगर एक्टर कंफर्टेबल हैं उन्होंने कुछ कपड़े पहने हैं और शूट हो गया और सब कुछ हो गया के मुताबिक है कैरेक्टर के मुताबिक है या तो फिर आप शूट ही ऐसे ना करें मेरे ख्याल में The better thing to आप do. उनको पहना देते हैं पूरी चोली हाँ या आप शूट ही ना करें अगर आपने किया तो फिर अब ये पोस्ट में अच्छा नहीं लगता जैसे फॉर एग्जांपल कमर से तो खैर इसका ताल्लुक नहीं है जैसे बहुत ही मुझे जो बहुत चीज बॉदर करती है वो ये कि जब गाड़ियों के लोगों को ब्लर किया होता उन्होंने आप मतलब आप अगर मर्सिडीज के लोगों को ब्लर आउट कर रहे हो आप क्या अचीव कर रहे हो मतलब व्हाट इज द पॉइंट एंड लिटरली मैंने देखा है हमारे ड्रामे में मर्सिडीज का लोगो ब्लर ऑडी का लोगो ब्लर किया हुआ होता है क्या मिलता है आपको लोग ब्लर आउट करके क्योंकि इश्तहार मांगा होगा नहीं दिया तो ब्लर मर्सिडीज कहां से ड्रामे में हमारे मर्सिडीज मुझे बताएं ना मर्सिडीज का इश्तहार क्या और आप इंटरनेशनल हम इतना कंटेंट कभी आपने किसी देखा किसी फिल्म में किसी सीरीज में उन्होंने गाड़ी को ब्लर इंडिया नेटफ्लिक्स में हम रोज आप लोग भी देखते होंगे कंटेंट कभी आपने देखा नेटफ्लिक्स पे कोई छोटा पन है या अगर किसी की दुकान है जनरल स्टोर है उसमें जब कैरेक्टर एंटर करता है तो हर ब्रांड सब कुछ ब्लर्ड होता है उसके इर्द गिर्द ये भी मैंने देखा हुआ है आज तक कभी किसी सुपरमार्केट में इतनी चीजें शूट होती हैं आप इंटरनेशनल कंटेंट देखते हैं दुकानों में कहीं पे कभी आपने देखा ब्लर आउट हुआ वो चीजें तो ये भाभी छोटी सोच है बहुत अजीब से सिमिलरली शिद्दत में बिकॉज़ आई कुड टेल कि आप यार क्या बात है मैं आपकी फैन हो गई हूँ कैसे आपने बात से बात लिंक करके आप अगले ड्रामे पे चले गए शिद्दत में आप आए आ जाए वो निकले हैं जब भाईजन हमारे वो पीछे आइलैंड में चश्मे सर्वर भाई जो है सर्वर भाई हाँ सर्वर वो आइलैंड का मुझे लग रहा था दुकान है मैं चश्मे वहां से बनाऊं अब आइलैंड का लोगो आपने ब्लर क्यों किया ब्लर हो क्या होगा अगर आइलैंड दिख जाएगा पीछे तो मेरे ख्याल में होटल फरहान था शायद साथ में जहाँ से निकले इफ आई एम नॉट मिस्टेक क्या होगा अमेजिंग छोटा पन बहरहाल शिद्दत में तो और बहुत कुछ है बात करने के लिए शिद्दत पे आ जाएं जी आप अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट प्लॉट ट्विस्ट आपको मिला है कि वो इस लेवल का नार्सिसिस्ट है सुल्तान कि अब वो ये प्रूव कर रहा है दैट शी इज़ मेंटली अनस्टेबल उसको कह रहा है कि तुम चाय लाओ तो मैंने तो चाय नहीं मांगी क्या मैंने चाय नहीं मांगी सुल्तान ने क्या मैं ये हलूसिनेट कर रही हूँ उसने कहा तुम तो हलूसिनेट करती हो इतनी नई नई टर्म्स आपको मिली हैं यार आप अल्लाह का शुक्र अदा करें ऐसे ड्रामे आपको मिल रहे हैं इससे पहले तरबियत हो रही है आपकी इससे पहले हम इधर आए वो दूसरी तरफ जाएं वो जो क्यूट सी सा कपल आर यू इंटरेस्टेड इन मशल एंड जुनेद्स एक बात बताएं मशल और जुनेद जिस तरह से हमारे सामने आए जी मैं अपनी तरफ से तो नहीं बना के लाया ना एक किरदार हमें
प्रेजेंट किए गए डीपली इन लव, बहुत अच्छे कनेक्टेड टू द कोर लवली कपल, कपल सारा कुछ वाले, और हाँ. पहले दिन से आपने दिखाया कि जुनेद की पर्सनैलिटी में सार्केज्म है. हाँ. और वो पहले दिन भांप लेता है कि यार दिस समथिंग ऑफ विद दिस गाय. और मशल भी इज ऑल्सो डीपली अनॉयड विद दिस गाय. कट टू, अब आप ये सोच देखें, उन्होंने कहा यार ये इतना चार्मिंग पर्सनैलिटी है इसका, लड़के का इतना चार्म है. आपको नजर आया चार्म उसका? मुझे तो नहीं आज तक नजर आया कि हाँ. क्या चार्म है, लेकिन अपेरेंटली शिद्दत की दुनिया में हाँ. इसका लड़के का इतना चार्म है कि वो हस्बैंड अब अपनी बीवी पे शक करना शुरू हो गया कि यार इस मेरी बीवी के चार में आ गई. इरेसिस्टिबल, इतना चार्म है उसका, मिस्टर इरेसिस्टिबल. सो या तो फिर आपने उस लड़के को वाकई में इतना चार्मिंग बना के प्रेजेंट किया होता कि हमें दिख रहा होता कि यार इसका इतना चार्म है, उसमें कोई भी बह जाएगा. तो क्यों नहीं आपको दिख रहा चार्म? चांदनी भी बह रही है उसके चार्म में, वो परीजे भी उसके चार्म में बह रही है, असरा तो बह ही रही है, मशल को भी आपने कह दिया, असरा की अम्मा भी बह रही है, असरा की अम्मा भी बह गई है, कोई खानदान वो अलीना थी जो वो भी बह गई, उसके भी बह गई है, कोई ऐसी औरत नहीं है कराची में जो इसके चाम में ना बह. जान निसार वाली मोनिका भाभी भी बह रही है, मोनिका भाभी भी, मतलब दूर दूर से भी लोग बह रहे, सब बह रहे हैं उसके चाम में. लेकिन उसमें क्या चार्मिंग बात है, उस किरदार में क्या अच्छी बात है? इवन चले आप भूल जाए जो असरा के साथ करा है, अदरवाइज ऑल्सो कुछ भी नहीं, व्हाट सो चार्मिंग अबाउट दिस कैरेक्टर? नथिंग. Apart from the fact that Muneeb Bhatt looks like the way Muneeb Bhatt does, yeah. which is natural for him. Yeah. I mean, he's a good-looking guy. But other than that, is kirdar ki personality mein ya jis tarah se ye kirdar present kiya gaya, what is charming about? Kya naam hai? Sultan. Sultan. Nothing. For example, agar aap aur narcissists dekhein, Ahmed Zaryab hai, for example. Haan. Ahmed Zaryab is a good example ki wo aapko charming nazar aata hai. कि वो चर्ब जुबान है, वो बातों में आपको शायरी करता है, शायरी करता है, रोमांटिक है, इश्क भी झाड़ता है, लड़कियों को एलिवेट करके उनको बेवकूफ बनाता है, उनको खाने वाने पे लेके जाता है, उनको पैम्पर करता है, एलिवेट करता है, तो ग्वादर ले जाता है, ग्वादर ले जाता है. तो वो आपको समझ आती है कि वो इतना चार्मिंग है कि उसके स्पेल में आ गई, उसके स्पेल में आ गई. इन साहब का नहीं समझ आ रहा, मे बी ही स्मेल्स रियली नाइस बिकॉज परफ्यूम शर्फ्यूम वो हर वक्त लगा रहा होता है आपका, क्योंकि परफ्यूम से बहुत गहरा ताल्लुक है. Maybe कोई hypnotizing effect हो, just smelling nice doesn't cut it. Doesn't cut it. The personality needs. मतलब for example चांदनी का जो पिछला हमने एक episode में देखा था कि वो बातों बातों में एकदम खो गई, खो जाती है उसकी बातों में. क्या है उसकी बातों में जो आपको मतलब कि वो खो गई चांदनी? हाँ. परीजे कहती हो ये बहुत charming है, ये तो उसके charm में आ जाएगी. Again this is the asthma effect. इधर आ गया. उन्होंने चार्म को ऐसा बना दिया कि पता नहीं क्या चीज है चार्म के जो इट्स वेरी लाइक इललॉजिकल. मतलब यू जस्ट टोल्ड अस, द ड्रामा मेकर्स हैव टोल्ड अस दैट दिस गाय इज अ जीनियस एंड ही इज लाइक सुपर इंटेलिजेंट, बट यू हैव नॉट शोन अस हाउ. आपने कहा हमने मान लिया, वी जस्ट सपोज टू टेक एवरीवनस वर्ड. मतलब जुनेद के ऊपर उसका चार्म हो गया, लड़कों के ऊपर भी बाकायदा उसका चार्म. मेरा तो ख्याल है कि उसमें भी नोफल पे भी है. नोफल पे तो 100% है. मतलब वो असरा यार, यार मेरी बात सुनो. हाँ सुना है. आप ना एक बेवकूफ इंसान. मैं तो पागल हूँ. आप एक बेवकूफ इंसान. मैं बेवकूफ हूँ. आपको समझ नहीं आ रही. हाँ. ये जो ड्रामा है ना. हाँ. इसकी कोर वैल्यू क्या है? चार्म. नो. हाँ. इंक्लूसिविटी. इट इज अ जेंडर नॉन स्पेसिफिक अपील जो आपको बड़े सटल तरीके से वो बता रहे हैं कि ये इस इंसान का ऐसा चार्म है कि औरत हो या मर्द, जवान हो या बूढ़ा, उसके चार्म से कोई इम्यून नहीं. प्रोग्रेसिव कहानी. ये इंक्लूसिविटी है. प्रोग्रेसिव. प्रोग्रेसिव है ये प्लॉट लाइन. बहुत डीप. पाकिस्तानी ये खुल के कह नहीं सकते, बट ये बहुत डीप मैसेजिंग है. डीप मैसेजिंग. ये एक्चुअली इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए बना है, आपके समझने की बात नहीं है. नहीं बना. दिस यू कांट. यू कांट. यू कांट. वो जो कपल है उनसे मैं मशल और जूनी काफी मैं अनॉय हुआ. वो होने वाली बात भी थी. और वो ले गए यार. ऐसा मैं आपकी बात काटने में मजबूर हो रही हूँ, लेकिन ऐसा खाविंद हर एक को नसीब करे जो कि बीवी की बात नहीं मान रहा, मगर जो हमसायों के भाई की बात है उससे फौरन उसको समझ आ गई कि आई एम रॉन्ग, मुझे नहीं मिसट्रस्ट करना चाहिए था अपनी बीवी को. वो शख्स जिसके पास उसकी बीवी गई है और उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, वो पहचाने नहीं आगे से. हाँ. कौन 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 है? मैं आपको सॉरी पहचाने. वो कहती है कि मैं मशल में. हाँ हाँ. वो फिर साथ ही कहते हैं जुनेद कैसे फौरन पहचान गए. हाँ.
तो वो शख्स जिन्होंने जिनकी रिकलेक्शन ही नहीं थी कि ये लड़की कौन है वो जुनेद को कह रहे हैं ये बहुत अच्छी लड़की है, इसको ये तुम्हारी बीवी है, बहुत मासूम है। और जुनेद कह रहा है यार ये वाकई सही है, इनकी बात मुझे, इनको जिनको मेरी बीवी का नाम नहीं पता था अभी 5 मिनट पहले तक, और वो कह रहे हैं ना मेरी बीवी अच्छी है तो वाकई में अच्छी होगी, क्योंकि वो अपनी बिजनेस मीटिंग से उठ के गए हैं उसकी बात सुनने, तो ये सही कह रहे होंगे, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, धूप में तो नहीं बाल सफेद किए ना सर्वर भाई ने, उन्होंने कहा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने सक्सेसफुल आदमी हैं, ये उठ के गए मेरी बीवी की बात सुनने, और ये अगर कह रहे हैं कि तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी औरत है, इस पर मिस्ट्रस्ट नहीं करो, तो यार इनकी बात सही है। जब सर्वर भाई घर आते हैं ना और पूरी एक वो मंडी लगती है और जो पूरी एक कॉन्वर्सेशन होती है सब कुछ होता है, या मुझे समझ ही नहीं आ रहा सर्वर भाई इतने सक्सेसफुल हुए कैसे हैं। नहीं सर्वर भाई ने तो अच्छी बात की, उसने कहा उन्होंने क्या अच्छी बात की, हो सकता है कि तुमने ये किया हो मैसेजेस, तुमने भाई मेरी बात सुने, सर्वर भाई घर आए हैं अपनी बहन से मिलने, बहन को पूछने आए हैं कि हो क्या रहा है, व्हाई द हेल वुड ही डू इट इन फ्रंट ऑफ सुल्तान एंड सुल्तान्स मदर, वुड ही नॉट वांट अ प्राइवेट मोमेंट विद हिज वाइफ, मुझे वो बात अच्छी लगी गई, उन्होंने ज्यादा नहीं कहा मैं सबके सामने बैठ के बात करूंगा, बताओ क्या प्रॉब्लम है। सवाल ये पैदा होता है कि जो असरा के पास स्क्रीनशॉट्स थे वो डिलीट हो गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था, असरा ने जो स्क्रीनशॉट्स लिए थे वो उसके फोन से डिलीट कर दिए थे बाद में, और वो कहती है कि ये स्क्रीनशॉट है, और स्क्रीनशॉट वो दिखाने भी गई और सब कुछ हुआ, तो डेफिनेटली स्क्रीनशॉट्स तो थे। एक बड़ा अजीम शख्सियत है जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, आपको पता है शर्लोक होम्स। जी जी जी, शर्लोक होम्स का एक कोट है बड़ा मशहूर, उन्होंने कहा व्हेन यू हैव इलिमिनेटेड द इम्पॉसिबल व्हाटएवर रिमेन्स हाउएवर इम्प्रोबेबल इज द ट्रुथ। ठीक है, समझिए मान, हाँ हाँ, अंग्रेजी समझ आ गए, उर्दू में समझाए, मुश्किल है, दोबारा समझाए। व्हेन यू हैव इलिमिनेटेड द इम्पॉसिबल whatever remains however improbable must be the truth। acha kya matlab hai iska aap samjhaye mere dimag ko iski baat samajh nahi aa rahi kisi bhi scenario mein agar aapko 3-4 options nazar aa rahe hain usme sabse pehle aapne impossible options ko eliminate karna hai ki yaar this is impossible। theek hai, whatever option choice is left usme improbable however improbable it is has to be the truth। theek hai, so what is the right option here for Asra to pick that he deleted the screenshot that he created, but Asra ka dimag jaye nahi tha despite, dekhi ye to bahut der pehle aap jo mujhe aapki yaad aayi kal, ha bataye, maine aapse pucha tha aapne ke kya ek average pakistani ladki ka IQ level waqai mein itna low hai, aapne kaha tha ke nahi sawal nahi paida hota, mere khayal mein hai, nahi nahi hai, ye hamare viewers batayenge, sirf Asra ka hai, sirf Asra ka hai, unfortunately hamare writers hamari auraton ko itna dumb likhte hain कि आपको ये यकीन हो जाता है कि असरा जैसी औरत इज अ नॉर्म, इट्स नॉट। उसकी जो बहन है सुल्तान की वो फोन पे कहती है तुम तो हो ही, तुम कितनी तुम बेवकूफ हो, exactly. वो भी कहती है उसको, हाँ। असरा को तो आपने वाकई में इतना बेवकूफ दिखाया, तो सवाल ये पैदा होता है कि अपनी लीड को आप इतना बेवकूफ क्यों दिखाते हैं, ऐसी बेवकूफ लड़कियां आप दिखाते हैं हमारे ड्रामे में। कई लोगों के लिए बेवकूफी नहीं है, कई लोगों के लिए ये वो है Larger than life नहीं, अब तो उसकी माँ कह रही है कि वो फ्रिज में कपड़े लटका रही है, अलमारी में वो जैम रख रही है, क्या कर रही है, तो वो यही दिखा रहे हैं ना, पागल हो गई है वो, हाँ। अब लेके जाए एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं आप, क्यों मेरा लेके जा रहे हैं, ये भी आप बेवकूफ इंसान, मैं तो हूँ ही पागल, आप बिल्कुल पागल है, क्यों दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, ये वही पहुंचेगी जहाँ पे परीजे है, ये अगर वहां ना पहुंची तो फिर हाउ विल इट कम फुल सर्कल, कैसे होगा फुल सर्कल, कैसे होगा, ये अपने दिमाग का इलाज करने वहीं जाएगी ना, क्या नाम है जगह का, गरौंदा, वहां पे परीजे और इसकी मुलाकात होगी, परीजे की फिर ये बदला लेगी, फिर यूरिका मोमेंट होगा, फिर आप कहें ना बिग बैंग, ये तब होगा बिग बैंग, 50 किस्तें तो गई नहीं गई, फिर पता चलेगा। और अभी मैंने आपको बताया था इन्होंने प्रेगनेंसी बीच में रखा हुआ कार्ड, इक्के का हुक्म का इक्का, प्रेगनेंसी नहीं सर, मिसकैरेज, हाँ। खाली प्रेगनेंसी से नहीं कुछ होने वाला, वो रखा ऐसे ना लाइटली लें आप प्रेगनेंसी को, वो रखा मिसकैरेज, वो लेके आएंगे उसको, एक अदद मिसकैरेज, एक अदद टेकिंग योर लाइफ अटेम्प्ट, हाँ। ये जरूरी है यार, ये लाएंगे इसके बगैर तो नहीं ड्रामा आगे चल सकता। अच्छा फिर वो बहन फोन पे कहती है अच्छा तुम फोन रखो मैं कुछ सोच के बताती, तू क्या सोच के बताएगी भाई वहां पे बैठी हुई, यार मैं कुछ सोचती हूँ, तुम क्या सोचोगी, क्या करोगी तुम, यूनिक यूनिक बंस रोड के रोमियो जूलियट। मूविंग ऑन।
on to Burns Road. आपने कहा जी बहुत तब्दीली आ गई, कहानी बहुत आगे बढ़ गई। मेरे ख्याल से एपिसोड 29 जो थी इस हफ्ते की पहली मंडे वाली एपिसोड वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एपिसोड। इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एपिसोड, इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड। मैंने बहुत इंजॉय किया। आई थॉट इट वॉज वेरी गुड राइटिंग, आई थॉट इट वॉज वेरी गुड प्लॉट मूवमेंट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स, और जो जो प्रोग्रेशन हुई है वो यार हसन, इट वॉज वेरी गुड। बड़ी रैपिड उसमें थी। आप देखिए ना क्या क्या हुआ इस एपिसोड में। पहली चीज़ ये होती, मैंने लिखा हुआ ताकि मैं भूल ना जाऊँ, फर्स्ट थिंग इज़ द डिस्कशन ऑन मेंटल हेल्थ दैट फरहाद हैज़ विद हिज मदर। आपको समझ आ गया है वो औरत ऐसी क्यों है। वो कहते हैं मैं 6 साल का था, एंड आई रियली ऑल दीज कॉन्वर्सेशन रियली हिट होम। मैं 6 साल का था जब मैं आपको रोता हुआ देखता था, एंड ही सेज दैट दिस वॉज द टाइम हैड यू टेकन हेल्प, हैड यू एड्रेस्ड योर मेंटल हेल्थ इशूज, हैड यू एड्रेस्ड योर डिप्रेशन, शायद यू वुड हैव बीन अ बेटर मदर, मे बी यू वुड हैव ब्रॉट अस अप टू बी स्ट्रॉन्गर ह्यूमन बीइंग्स। अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन, हैंडल्ड वेरी वेरी वेल एंड परफॉर्म्ड वेरी वेल बाय बोथ हमजा एंड बाय ज़ेक्यू। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी। तो यहाँ पे पीछे जो वो चाचा बैठे होते हैं कहते हैं हाँ मैं भी तो थेरेपिस्ट के पास जाता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने नेचुरल इंटीग्रेशन की कि हर बंदे में एक वक्त आता है जब वो ज़हनी तौर पे मरीज़ हो जाता है, उसको एड्रेस करना उसका इलाज है, उसको इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। सो आई थॉट दैट वॉज अ बिग टिक मार्क फॉर मी। देन किरण कमिंग होम टू फरहाद एंड गिविंग हिम दैट थप्पड़। मैंने पहले वो क्लिप देखा बगैर किस देखे हुए, और मैंने कहा यार बड़ा फजूल है, किरण ने जाके फरहाद को थप्पड़ मारा, यही थप्पड़ उसको शाहजहान को मारना चाहिए था। बट जब मैंने ड्रामे की एपिसोड में वो सीन देखा, इट वॉज़ अ वेरी पावरफुल सीन, बिकॉज हियर यू सी फरहाद क्राइंग फॉर हर, ही इज़ ऑल्सो क्राइंग फॉर हिमसेल्फ, एंड हियर यू सी हर एंगर ऑन टूवर्ड्स फरहाद, बट दैट एंगर इज़ ऑल्सो टूवर्ड्स शाहजहान। सो बड़ा वो डबल प्रॉन्ग्ड वो सीन था। Again, very well performed by both of them. More, I would say, Hamza, because the expression of absolute realization ki meri behan ke saath kya ho raha hai aur main kya ban gaya hu, aur phir kya main apna baap ban gaya hu, kya main Shahzain jaisa hu, kya main baap jaisa hu, mere se hua kya, maine janbujh ke nahi kiya lekin galti se bhi koi kare to hua to sahi, violence to hui hai. बहुत पावरफुल सीन था। सो आई थिंक मोर देन द स्टोरी इट वॉज अबाउट द सीन्स, दैट वॉज द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट सीन। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट सीन, फ्रिया विद हर फादर, जब उसका बाप कहता है कि थप्पड़ मारना ही सिर्फ वायलेंस नहीं है, धक्का दिया ये भी अब्यूज़ है, ये भी वायलेंस है, और बेटा बात ये नहीं है कि वो करेगा या नहीं करेगा, उसके बैकग्राउंड में देखो, इट इज़ अ बैकग्राउंड दैट इज़ कम्फर्टेबल विद फिजिकल वायलेंस। अगर उसका बाप भी मार रहा है, उसका भनोई भी मार रहा है, तो आई डोंट वॉन्ट यू टू गो बैक इन टू अ हाउस होल्ड वेयर देयर इज फिजिकल अब्यूज इज अ नॉर्म। आई थॉट इट वॉज वेरी गुड कॉन्वर्सेशन। आई वॉज लाइक यार ये कॉन्वर्सेशन हम एक्चुअली तरस जाते हैं सुनने के लिए टी वी पे। सो 29th एपिसोड फॉर मी वॉज वेरी गुड राइटिंग, वन आफ्टर द अदर। देन वेन फरहाद एंड जोजो गो टू मीट शाहजहान, और उसको जो वो कहते हैं कि तुमने इस्तेमाल किया वापस करो, और जोजो लैपटॉप भी उठा लेते, कहते हैं तुमसे हर चीज़ वापस लेंगे, और ख़बरदार मेरी बहन के पास गए। आपको खुशी नहीं, दी सीन्स नॉट वर्क फॉर यू, डिड यू नॉट लाइक देम? नो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस थी, बहुत अच्छा था। और हम एज यू राइटली सेड कि अक्सर जब डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं अपने ड्रामों में, या डिपिक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, अब्यूज़ दिखाई जाती है, तो वो बड़ी वन डायमेंशनल होती है। उसमें आप एक ही तरह की चीज़ें दिखाते हैं, या तो फिर उसको बहुत जल्दी से आप मूव ऑन कर जाते हैं, उसे एड्रेस होते हुए नहीं दिखाते, उसके रिपरकशंस के ऊपर आप कोई डिबेट या डिस्कशन नहीं शुरू कराते, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप वो विंडो नहीं दिखाते कि हाउ डू यू पुट एन एंड टू इट एंड हाउ डू यू मूव आउट ऑफ इट। सो ऑल ऑफ दैट वाज वंडरफुल, एंड आई सर्ट एंड आल्सो द लास्ट डिस्कशन सॉरी दैट फरहाद हैज विद फ्रिया व्हेन ही कम्स एंड सेज के यू नो बिकॉज़ ही इज सो अनश्योर ऑफ हिमसेल्फ एंड ही इज थिंकिंग ऑल्दो बहन कह रही कि तुम अब्बा नहीं हो अगली किस्त में, तो अब्बा नहीं हो तुम, नहीं हो, यू आर अ डिफरेंट पर्सन, बट ही इज थिंकिंग टू माई सेल्फ कि अगर मुझसे अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल हो रहा, और मैंने एक दफ़ा इसके साथ इसको रफ अप किया है, तो मैं दोबारा भी करूँगा, आई लव हर टू मच, शी नीड्स टू मूव अवे फ्रॉम मी, एंड दैट वॉज ऑल्सो वेरी टचिंग। सो जहाँ पे ये सब कुछ बड़ा ज़बरदस्त और बहुत अच्छी पेज पे और ये दिखाया गया, और वो एपिसोड बहुत अच्छी थी, बट जब आप अगले एपिसोड पे हैं, मैं उतना लेट डाउन हुआ, क्योंकि जब आपने इतना अच्छे तरीके के साथ एक चीज को हैंडल किया, इतने सिग्निफिकेंट एक प्लॉट की डेवलपमेंट हुई, उसके बाद अगला उतना ही ठुस था,
सो कहने का मकसद ये है कि हमारे ड्रामों में अक्सर इवन जब आप बहुत कोई अच्छी और चीज़ कर जाते हैं उसके बाद आप मोमेंटम बरकरार नहीं रख सकते। अब अगली एपिसोड में कोई एक वो सिवाय जब वो घर जाती है और वो अपने समय उसकी शर्ट को सूंघती है, मुझे अच्छा लगा वो, बट फरहाद के एंड से हमने कोई इसके ऊपर नहीं देखी। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ कि वो अपने पकवान में चला गया, कॉन्वर्सेशन कर रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है। तो मेरे लिए अगेन जो एक जैसे हम जाने जहाँ में कहते थे या मैं किसी भी सेंट्रल जब इस तरह के किरदारों की बात करता हूँ जो सेंट्रल होते हैं टू द प्लॉट, कि रोमियो जूलियट कहाँ गए? मैं इस वक्त सबसे ज़्यादा शदीद इन्वेस्टेड फरहाद और प्रिया में हूँ। फरहाद और प्रिया की इतनी बड़ी एक चीज़ देने के बाद, इतना आपने पूरा एक लाइट थ्रो करने के बाद, ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज कंप्लीट साइलेंस। अच्छा नहीं, जो था ना पूरा सीन प्रिया का घर जाना, शी इज लिटरली पिकिंग अप पीसेस ऑफ हर लाइफ, व्हाट इज शी गोइंग टू डू विद देम, यू विल सी इन द अगली एपिसोड। हां, अगले एपिसोड का प्रोमो वाज आल्सो सिमिलरली फरहाद आई फील हैज अब्सॉर्ब्ड व्हाट हैज हैपेंड एंड इज लिटरली पिकिंग अप पीसेस ऑफ हिज लाइफ, कि पकवान चलाना है, यू सी हिम यू नो इम्प्रोवाइजिंग, उसको आगे लेके जा रहा है, किस तरह लेके जाना है। जो बाकी सीन्स है ना वो नहीं होने चाहिए थे एट दिस पॉइंट, यू नो द होल जोजो ट्रैक, पूरा ट्रैक है एग्जैक्टली, यहाँ पे ये नहीं आप दे सकते। उसके जो अब्बा और ब्रदर का पूरा एक ट्रैक है, पूरा वो नहीं होने चाहिए थे इस वक्त। माँ का भी चले उस हद तक, मेंटल हेल्थ की डिस्कशन तक वाज एब्सोल्युटली फाइन, बट यू नो हम काफी अरसे से कंप्लेन करें, वो भी एक्सेसिव हो जाता है बीच में। शाहजैन वापस आया, पूरा वो बैठा गिड़गड़ाया, सब कुछ किया। अच्छा, शाहजैन वाले ट्रैक में मैं इन्वेस्टेड हूँ, वो मैं उस हद तक इन्वेस्टेड था जो हुआ है, लेकिन अब वो जो दोबारा प्लान कर रहा है कि मैं इसको और इसके भाई को तुम्हारे कदमों में ला के गिरा दूंगा, वो सब कुछ कर दूंगा, वो नहीं होगा। मेन मेरे लिए इस वक्त ये है कि यार फ्रिया और फरहाद का क्या? एंड अगेन यू आई थिंक 28-29 एपिसोड, 29-30 राइट, 30 एपिसोड्स बहुत, एपिसोड 29 एक्सीलेंट, एक्सीलेंट राइटिंग, very very good progression of all plot lines. 30th episode jahan tak farhad aur priya hain, I'm completely invested and I do think ke wo scenes zaruri the because they are picking up pieces of their life and they're absorbing them and deciding ki aage kya karna hai. But jo baki sub plots hai na other than kiran and shahzain, main usme interested hu, jojo main nahi hu bilkul bhi, aur priya ke bhai mein to bilkul bhi nahi hu, wo abhi kam karein to behtar hai. Beech mein wo bhai aur bhabhi ke jo scenes aate hain, अब फिर हमाद और सॉरी हामिद और जो फुफो हैं बहुत अच्छी हैं। हाँ। फुफो और उसके जो दूसरी नीस है उसकी जो पूरी कॉन्वर्सेशंस बीच में आ जाती हैं, फुफो फोन पे जो लंबी लंबी बातें करती हैं। वो क्यों दिया है? मुझे ऐसा लगा कि वो जारा की जो कॉन्वर्सेशन है दैट इज द वॉइस ऑफ सोसाइटी, कि लोग तो ऐसे सोचेंगे तो फिर अब क्या होगा, मगर वो लंबी हो गई थी। हाँ, तो जहाँ पे आप एक वो चीज कर रहे हैं जो कि अमूमी तौर पर हम ड्रामों में नहीं देखते, तो फिर दूसरी तरफ भी मेरे ख्याल में कॉम्प्रोमाइज करें थोड़ा सा, ले जाते हैं। नहीं नहीं, भले 20 हम एक एपिसोड 29 तो हम इस वक्त कह रहे होते यार क्या जबरदस्त जबरदस्त बैंग्स हुए, बट उसके फौरन बाद आपने हमें 30 दी जिसमें बहुत ठुस था माहौल। तो या तो उसको बैलेंस किया करें सही से, मुझे नहीं पता टेक्निकली, बिकॉज अगेन ये एक फॉर्मेट है, कभी ड्रामे की एक किस्त चलती है, कभी दो चलती है, कभी तीन तीन चार चार चलती है, तो ये कैसे डिसीजन होती है? ऑब्वियसली जब हम कल हुमायूं से बात कर रहे थे उन्होंने भी एक बताया था कि एक कहानी का फ्लो होता है, राइटर ने सोचा होता है एपिसोड कहाँ खत्म होनी होती है, एडिट पे फिर कुछ का कुछ निकल जाता है, कोई चीज होती है। तो आई थिंक देन केयर नीड्स टू बी टेकन कि आप एक्चुअली इस लेवल पे जब एक अच्छी एपिसोड आपने डिलीवर किया उसके बाद आप क्या दे रहे हैं, वो सोचने लायक है। इम्पैक्ट कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने 29 देखी इस नोट पे देखी, उसके बाद 30 देखी तो आपका यूं चले गए, तो अब आप इस नोट पे रहेंगे ना। या तो 29 वाला 30 में दिखाते और 29 में कुछ और दिखाते तो हम 30 देख के हम, लेकिन अगर मैं होलिस्टिकली देखूँ ना बर्न्स रोड की रोमियो जूलियट होलिस्टिकली, तो आई थिंक इट्स वेरी प्रोग्रेसिव राइटिंग एंड इट्स अ गुड स्टोरी, इट्स अ गुड स्टोरी, वेरी रियलिस्टिक के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं व्हाटएवर, एंड आई एम होपिंग इट विल एंड ऑन अ गुड नोट एंड अ हैप्पी एंडिंग फॉर बोथ ऑफ दीज कैरेक्टर्स हु वी रियली लव। बट द थिंग इज दैट बीच में जो सब प्लॉट्स है ना वो बहुत ज्यादा है, डिटरेंस बहुत ज्यादा है। सबसे जो अच्छी बात इस हफ्ते के एपिसोड जो कि 29th एपिसोड की थी, हाईलाइट थी कि आप ये देखें कि फरहाद ने एक्चुअली फ्रिया को नहीं मारा। नहीं, या एग्जैक्टली,
येट दे मेड इट सच अ ह्यूज डील विच इज इम्पोर्टेंट. यस, असल बात ये नहीं है कि हमारे ड्रामों में अब्यूज दिखाई जाती है या थप्पड़ दिखाया जाता है और उसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है. खुशी की बात यह है कि इस ड्रामे में थप्पड़ के बावजूद ये सारी कॉन्वर्सेशन हुई जहां पे धक्का लगा है. सिर्फ ये इंडिकेशन थी कि आगे चलते हुए शायद वो अपने गुस्से पे काबू ना रख पाता. बड़ा अच्छा डायलॉग है जो फ्रिया के वालिद साहब कहते हैं कि ये कैसे मर्द हैं जो बीवी पर जुल्म करते हैं, ये मर्दानगी पर धब्बा है. मतलब ये कहना बहुत जरूरी है ये कि ये और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी और तुम्हारी माँ की बहुत लड़ाई हुई है लेकिन मैं आते तुम्हारी माँ पे हाथ नहीं उठाया. और यहाँ पे जो मैं पिछली बार कह रहा था, फ्रिया एक्चुअली कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उसने मुझे मारा नहीं था. या। हाथ उसने अभी भी नहीं उठाया था, धक्का लग गया था. धक्का तो उन्हें बोला धक्का भी क्यों लगा, धक्का भी वायलेंस है, वो भी वायलेंस जो के सही बात है, जो जिसके लिए बंस रोड की टीम को बहुत क्रेडिट जाता है. एब्सोल्युटली के वो होता ना, हमें हमेशा कहते हैं लाइंस पुश कर देते हैं कि थप्पड़ मारेगा तो ही रिएक्शन आएगा. उन्होंने थप्पड़ दिखाया नहीं है लेकिन फिर भी उसको इतनी बड़ी डील बना दिया, विच इज ग्रेट, विच इज वेरी गुड. सो फुल मार्क्स टू देम, सो गुड जॉब देयर. या एब्सोल्युटली. कुछ और आप कहना चाहती हैं, ऐड करना चाहती? मैं नहीं कहना चाहती हूं. कुछ और कहना ही नहीं चाहती? नहीं. उफ, आमना ने फैसला किया, वो कुछ इतना और कुछ तो कह दिया, कुछ और नहीं कहना चाहती. ख्वातीनो जरात, आज जुम्मा है, जुम्मे को आप हमारे ये हॉट रिव्यू देख रहे हैं. कल गुज़िश्ता कल जुमरात को आपने स्क्वायर टेबल, द स्क्वायर टेबल, स्क्वायर टेबल, जस्ट स्क्वायर टेबल, द स्क्वायर टेबल की आपने पहले एपिसोड देखी होगी विद हुमायूं सैयद, यमुना ज़ैदी, उसके ऊपर आपके फीडबैक का हम इंतजार रहेगा. और कल हफ्ते को इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे हॉट बाइट्स जिसमें बहुत मजे मजे के टॉपिक्स होंगे. इतवार को अपेरेंटली पाकिस्तान इंडिया का मैच है तो आप समथिंग हॉट पे कुछ नहीं देखेंगे, आप वही मैच देखेंगे, बहुत हॉट हो गया. और मैंने सोचा मैं डबल ट्रबल आपकी वजह से डबल ट्रबल को मंडे पे ले जाऊं, फिर संडे को मैं ना चलाऊं एपिसोड. क्यों चलाए ना यार, मैच है ना यार पाकिस्तान इंडिया का. ओके तो यूट्यूब पे देख लें, मैच के बाद छोटा सा मैच होगा उसका देख लेंगे, बाद मंडे को चलाते हैं. ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़.